हेलो डियर्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज आशुतोष सिंह, आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी। आवर कंटिन्यूअस टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। Means our today's topic is female reproductive hole, that is the gynoecium. Okay, आज के लेक्चर में हम gynoecium को पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं, gynoecium के यूनिट को बताने वाले हैं। gynoecium का यूनिट मतलब कार्पेल, कार्पेल के डीप में स्टडी होगी आज। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। नीट में तो हर साल क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए ज्यादातर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं यहां से तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द गायनोशियम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पोल, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, WHORL होल, फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज नोन एज गायनोशियम। गायनोशियम बोलते हैं हम लोग इसमें, कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फोल्ड होता है, दैट इज द गायनोशियम। गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ गायनोशियम? यूनिट ऑफ गायनोशियम इज नोन एज कार्पेल, कार्पेल, कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरोफिल, कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। अनदर नेम ऑफ द कार्पेल इज द मेगा स्पोरोफिल। कार्पेल मीन्स, अब जरा इसको हम डीप में समझने वाले हैं। सबसे पहले एक फ्लावर, प्लांट में जो फ्लावर होता है, फ्लावर के फोर होल्स इंपॉर्टेंट बताए गए आप सबको। आउटर मोस्ट होल इज द कैलिक्स, देन आफ्टर कैलिक्स करोला प्रेजेंट होता है, सेकेंड होल। थर्ड होल इज द एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर। एंड इनर मोस्ट पार्ट या होल ऑफ द फ्लावर इज द गायनोशियम। गायनोशियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसको बोलते हैं कार्पेल, कार्पेल को हम मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्लियर? अब किसी एक फ्लावर में एक ही कार्पेल हो सकता है या बहुत सारे कार्पेल हो सकते हैं, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स इन ए फ्लावर, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू मोनो कार्पेलरी और बाई कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट यहां पे स्टार्ट करता हूं। कार्पेल्स के बेसिस पे गायनोशियम के कई सारे कैटेगरी हैं। कार्पेल्स के यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट मे बी मोनो कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी मीन्स, मोनो कार्पेलरी मीन्स सिंगल कार्पेल प्रेजेंट इन ए फ्लावर। इफ ओनली वन कार्पेल प्रेजेंट इन द फ्लावर, इट इज नोन एज मोनो कार्पेलरी। मल्टीपल कार्पेल, मेनी कार्पेल्स प्रेजेंट इन ए फ्लावर, इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी यहां पे बोलते हैं हम, मल्टी कार्पेलरी। मेनी कार्पेल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, ओके, मोनो कार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी, टू टाइप्स के यहां पे हमने डिस्कस कर लिया। अब समझिए जरा, अब मल्टी कार्पेलरी, अगर बहुत सारे कार्पेल्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको और भी क्लासिफाइड करते हैं हम लोग।
जरा समझते हैं इसको डीप में अच्छे से। मल्टी कार्पिलरी के दो कैटेगरी बता रहे हैं हम यहां पे, हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। मल्टी कार्पिलरी की कैटेगरी यहां पे है, टू कैटेगरी मल्टी कार्पिलरी की, दैट इज द एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पस एंड अनदर वन इज द सिनकार्पस। सिनकार्पस, इन दोनों का मीनिंग समझना पड़ेगा हमको। एपोकार्पस का मीनिंग क्या होता है, सिनकार्पस का मीनिंग क्या होता है। एपोकार्पस मीन्स जब कभी भी किसी फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल्स हैं और सारे के सारे कार्पेल्स, सब कार्पेल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, फ्री कार्पेल्स, ओके, फ्री कार्पेल्स हैं तो एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं उसको। एपोकार्पल, एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पेल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग। अगर इसमें एपोकार्पस का मीनिंग यहां पर मैं लिख देता हूं, आप सब समझेंगे, फ्री कार्पेल्स, फ्री कार्पेल्स, कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो फ्री कार्पेल्स मतलब एपोकार्पस कंडीशन। देन अपोजिट इसका सिनकार्पस मींस किसी एक फ्लावर में अगर कार्पेल्स का नंबर ज्यादा है और वो कार्पेल्स आपस में अटैच्ड हैं, यूनाइटेड हैं, फ्यूज्ड हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिनकार्पस। क्या बोलते हैं हम, सिनकार्पस। सिनकार्पस मींस फ्यूज्ड कार्पेल या यूनाइटेड कार्पेल, फ्यूज्ड कार्पेल, फ्यूज्ड कार्पेल आर यूनाइटेड कार्पेल्स, फ्यूज्ड कार्पेल्स आर यूनाइटेड कार्पेल्स। अब एग्जाम में एग्जाम्पल आता है, हम समझेंगे एपोकार्पस का एग्जाम्पल देना है हमको, तो एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस किस में हो सकता है ये एपोकार्पस कंडीशन। माइकेलिया का प्लांट है उसके फ्लावर में, माइकेलिया, माइकेलिया में एपोकार्पस कंडीशन होती है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल यहां पे हम किस में होता है, सिनकार्पस का एग्जाम्पल ब्रिंजल में, किसमें, ब्रिंजल का प्लांट है उसके फ्लावर में, ब्रिंजल, ये आपने देखा होगा, माइकेलिया और ब्रिंजल के एग्जाम्पल हमने दिया यहां पे। एपोकार्पस में माइकेलिया दिया एग्जाम्पल, सिनकार्पस में ब्रिंजल, ये आपकी पूरी बुक का जो है ये समरी हमने पूरा बता दिया आपको, और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझ में आना चाहिए ये कि यहां पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव होल बताया आप सबको। फीमेल पेटी मतलब फ्लावर में जो फीमेल का पार्ट होता है उसको फीमेल पेटी होल या पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, सबसे अंदर का पार्ट होता है ये, यहां से फीमेल गैमेट बनता है, बराबर, हम उसको आप डिस्कस करेंगे आगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव होल का नाम क्या है, वो एक साथ में पूरे को हम गायनोशियम बोलते हैं, फीमेल वाले पार्ट को, उसका एक सिंगल यूनिट को कार्पेल बोलते हैं हम लोग। कार्पेल को मेगा स्पोरोफिल भी बोला जाता है। अब मेगा स्पोरोफिल या कार्पेल फ्लावर में एक ही है तो मोनोकार्पेलरी, बहुत सारा है तो मल्टी कार्पेलरी, ये कंडीशन आपको वहां पर दिखने हैं। अगर किसी फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल्स हैं, मेनी कार्पेल्स है, मल्टी कार्पेलरी, उसके दो कैटेगरी यहां पे डिवाइड करते हैं, एपोकार्पस कंडीशन और सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस मींस अगर फ्लावर में जो कार्पेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, अटैच्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, तो उसको फ्री कार्पेल्स यहां पे लिख दिया गया। एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो माइकेलिया के प्लांट में ऐसा मिलता है। देन अपने पास सिनकार्पस कंडीशन, जितने भी कार्पेल्स हैं सब आपस में फ्यूज्ड हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी है, सिनकार्पस कंडीशन। एग्जाम्पल ब्रिंजल के प्लांट में, ओके, समझ में आया। अब हम सिंगल कार्पेल, बराबर, यहां पे मोनोकार्पेलरी में सिंगल कार्पेल, मल्टी में मेनी कार्पेल, ऐसा हम लिख सकते हैं समझने के लिए, बराबर ना। मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पेल यहां पर है, एक ही कार्पेल है, यहां पे आप लिख सकते हैं सिंगल कार्पेल, एक कार्पेल होता है, या इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेनी कार्पेल्स, बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं, मेनी कार्पेल्स, ये आपको एक समरी है जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम में।
ओके, अब मैं सिंगल कार्पेल का डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ओके, उसके बेसिस फिर और भी उसमें स्ट्रक्चर बताने वाले हैं आपको, क्लियर है? अब कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ओके? तो सबसे पहले हम कार्पेल का डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके पार्ट्स को वहां पे लिख लेते हैं, क्लियर है? यहां पे आप देखेंगे डायग्राम कैसे है, यहां पे कार्पेल का, कार्पेल के लिए सबसे पहले थ्री पार्ट होते हैं कार्पेल के, कौन कौन से होते हैं, उसका नाम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले, ठीक, उसके बाद हम वहां पे पार्ट पढ़ लेंगे। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल। और सबसे नीचे स्वेलन पार्ट, बल्ग होता है, बल्ग मतलब ज्यादा स्वेल किया हुआ पार्ट है, बल्ग एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पेल इज नोन एज ओवरी। और सबसे अपर मोस्ट पार्ट, जो सबसे ऊपर होता है, अपर मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये सिंगल कार्पेल का डायग्राम है। एक कार्पेल में थ्री पार्ट आपको बताए, सबसे फर्स्ट हमने बोला यहां पे सबसे अपर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा, स्टिग्मा सबसे अपर मोस्ट पार्ट है। देन मिडिल पार्ट को क्या बोला हमने, स्टाइल, ये हमारा स्टाइल, फीमेल पार्ट का स्टाइल हो गया। सबसे लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा है, ओवरी, ओके, ओवरी सबसे लोअर मोस्ट पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, थ्री पार्ट। इन तीनों पार्ट को एक साथ में क्या बोलते हो, कार्पेल, क्या बोलते हो सब लोग, कार्पेल, कार्पेल हो गया। कार्पेल का दूसरा नाम मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, कार्पेल और मेगास्पोरोफिल एक ही है, याद रखिएगा। अब ये कंप्लीट हुआ हमारा स्ट्रक्चर, ओके, सबके फंक्शन भी बताऊंगा मैं, आप सब समझिएगा जरा। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा क्या होता है, यहां पे कैसे हम इसमें लिख सकते हैं और भी पॉइंट, स्टिग्मा इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट है ये, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल, कार्पेल का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। देन इट हेल्प इन द, किस लिए, इट प्रोवाइड लैंडिंग फॉर द पॉलन ग्रेन, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, किसके लिए, इट प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म किसके लिए, फॉर पॉलन ग्रेन, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए, ओके, फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है और स्टिग्मा पे आके लैंड होता है, ओके, डन। देन नेक्स्ट स्टाइल में कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टाइल का फर्स्ट पॉइंट यहां पे, स्टाइल इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द, मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल, हम यहां लिख सकते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल, मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल, कार्पेल का ये मिडिल पार्ट है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे स्टाइल में, स्टाइल कैसा है, स्लेंडर, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है, पतला स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। अभी स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का भी काम करता है, इट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, अब इसमें हम ओवरी को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी में क्या है लिखना है, पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट या लोअर पार्ट ऑफ द कार्पेल, कार्पेल का सबसे लोअर पार्ट, ओके, ओवरी। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा है,
इसका स्ट्रक्चर होता है बल्ग, बराबर स्वालिन पार्ट या बल्ग पार्ट होता है। कैसा होता है? स्वालिन, स्वेल होता है या बल्ग, बल्ग होता है, बल्ग्ड पार्ट, बराबर। अब जरा इसमें समझिए, इसके अंदर क्या डेवलप होता है? ओव्यूल प्रोड्यूसेस इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी, डेवलप इनसाइड द ओवरी। ये हमारा कार्पेल का पूरा इंफॉर्मेशन हो गया, ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी। ओके, इतना समझ में आ रहा है? हमने स्टिग्मा बता दिया, स्टाइल बता दिया, ओवरी बता दिया, आई थिंक क्लियर होना चाहिए आप सबका। अब इसी को फ्लो चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए आप सब, अगर मैंने पार्ट ऑफ कार्पेल को यहां पे फ्लो चार्ट बनाया, पार्ट्स ऑफ कार्पेल, यहां पे तो समझ में आना चाहिए आप सबको, बट यहां पे आप कैसे करेंगे, थ्री पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। जो यहां पे लिखा गया है थ्री पार्ट, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, ओके, एनदर वन इज द स्टाइल, एंड थर्ड इज द ओवरी, थर्ड लास्ट है ओवरी, ओके ओवरी। अब स्टिग्मा मैंने डिस्कस कर दिया आप सबको, स्टाइल डिस्कस कर दिया, अब हम ओवरी डिस्कस किया है। ओवरी के और भी हम इसके बेसिस पे हम बोलते हैं ओवरी के अंदर क्या डेवलप होता है, इनसाइड द ओवरी किसका फॉर्मेशन होता है? ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, बराबर, ओव्यूल डेवलप होता है ओवरी के अंदर। अब ओवरी के अंदर खाली जगह है, ये एम्प्टी प्लेस है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं लॉक्यूल। ये पूरे एम्प्टी प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉक्यूल बोलते हैं। एम्प्टी प्लेस को क्या बोलते हैं? लॉक्यूल मतलब खाली प्लेस, चैम्बर, बराबर ना, ये लॉक्यूल होता है। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर जो मैंने बताया आपको क्या डेवलप करता है? ओव्यूल। इसके अंदर ओव्यूल डेवलप करता है, जरा समझिएगा आप सब लोग, ओव्यूल कहां डेवलप कर रहा है? ओवरी के अंदर डेवलप कर रहा है। ओके, ये ओव्यूल हो गया, ये मैंने यहां पे लेबल कर दिया ओव्यूल को। डायग्राम देख के हमको पता चलता है कि इस ओवरी में एक ही ओव्यूल है, तो ऐसे किसी फ्लावर में, सिंगल ओवरी में कई सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू यूनि ओव्यूलेट और मल्टी ओव्यूलेट, यूनि ओव्यूलेट और मल्टी ओव्यूलेट। तो ओव्यूल के बेसिस पे यहां पे हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, इसमें हम लोग यूनि ओव्यूलेट और मल्टी ओव्यूलेट। ओव्यूल के बेसिस पे कितने ओव्यूल प्रेजेंट हैं? यहां पे यूनि ओव्यूलेट, यूनि ओव्यूलेट, एंड अनदर वन इज द मल्टी ओव्यूलेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मल्टी ओव्यूलेट, यूनि ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। यूनि ओव्यूलेट मतलब किसी भी फ्लावर में के ओवरी में एक ही ओव्यूल है, मल्टी ओव्यूलेट मीन्स मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, यहां पे कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं मल्टी में। यहां पे दिख रहा है, ये यूनि का एग्जाम डायग्राम दिख रहा है, मल्टी में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं फ्लावर के ओवरी के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा यूनि ओव्यूलेट का, कौन कौन सा आएगा मल्टी ओव्यूलेट का, इसको आपको अगर समझना है, बराबर ना, इसको अगर समझना है, यहां पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यूनि ओव्यूलेट का मतलब सिंगल ओव्यूल, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग बेटा? सिंगल ओव्यूल। यहां पे क्या लिखा जा सकता है? मेनी ओव्यूल्स या मल्टीपल ओव्यूल, मेनी ओव्यूल्स, ओके, सेनी यहां पे हमने लिखा मेनी ओव्यूल्स, यहां पे लिखा सिंगल ओव्यूल, बराबर। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल यहां पे है, थ्री एग्जाम्पल आपकी बुक में है, जो सिलेबस में उसको हम दे देते हैं, और दो एग्जाम्पल है मल्टी के लिए, उसको हम एग्जाम्पल दे देंगे। यूनि ओव्यूलेट मीन्स इसमें एक ही ओव्यूल कौन कौन से हैं? आप सबको मालूम है, आप सबने मैंगो का नाम सुना होगा, आप सबने पैडी का नाम सुना होगा, पैडी मतलब राइस, बराबर, आप सबने वीट का नाम सुना होगा। इन सब प्लांट में सिंगल
ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर. ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं इसको. क्या बोल सकते हैं? पैडी व्हीट मैंगो. पैडी व्हीट मैंगो यहां पे हम करने वाले हैं एग्जांपल. किसका एग्जांपल देना हमको? देखिए यहां पे पैडी, दूसरा व्हीट, एंड लास्ट एग्जांपल इसमें दे रहे हैं मैंगो. और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं बट आपको सिलेबस में इतना है इसलिए हम यहां पे ये 3 एग्जांपल दे दिए, पैडी व्हीट एंड मैंगो. ओके, देन नेक्स्ट यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल ऑफ मल्टी ओव्यूलेट प्लांट जिसमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब यहां पे देखते हैं हम लोग टोमेटो का एग्जांपल. आपने सुना होगा टोमेटो, उसमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. और एक नाम है, आपने लेडीज फिंगर का नाम सुना होगा, लेडी फिंगर का, बराबर. ये आपके पास 2 एग्जांपल हो गए मल्टी ओव्यूलेट के. मल्टी ओव्यूलेट का यहां पे आ गया टोमेटो एंड लेडी फिंगर. ओके, अब जरा इसको हम क्लियर कर लेते हैं एक बार. अभी हमने क्या बोला था, कार्पेल को डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस कर लिया, पार्ट्स ऑफ कार्पेल. तो यहां पे एक्सप्लेनेशन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, पार्ट्स के पूरे एग्जांपल के साथ में हमने इसको डिस्कस कर लिया. ये हमने छोटा छोटा पॉइंट बनाया, इसको आप और भी डीप में लिख सकते हैं जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है. कार्पेल मीन्स हमने क्या बोला था, मेगा स्पोरोफिल. क्लियर है ना सबको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट. इसमें आप सबको मालूम है कार्पेल्स के 3 पार्ट्स कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल. इट हेल्प इन द किसके लिए, किसके क्या प्रोवाइड करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. मेल से पॉलन निकलता है स्टिग्मा पे, फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड करता है पॉलिनेशन के थ्रू. देन स्टाइल, ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को. स्टाइल स्लेंडर, बराबर, इलांगेटेड स्ट्रक्चर है. देन नेक्स्ट हमारे पास में सबसे नीचे फीमेल का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है ओवरी होता है. ओवरी स्वेलिंग पार्ट है, बल्ब पार्ट होता है. ये ओवरी बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंटेन करती है ओव्यूल. ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है. क्या रहता है, ओव्यूल. अब किसी भी ओवरी के अंदर अगर ओव्यूल है तो एक ओव्यूल है कि मल्टीपल ओव्यूल है. एक ओव्यूल के लिए यूनि ओव्यूलेट, बहुत सारे ओव्यूल के लिए मल्टी ओव्यूलेट हम बताते हैं. यहां पर आप यूनि ओव्यूलेट का एग्जाम्पल पैडी व्हीट मैंगो, मल्टी ओव्यूलेट का एग्जाम्पल टोमेटो एंड लेडीज फिंगर. हमने डायग्राम यहां पे हमने लिख दिया एग्जाम्पल. ओके, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसमें डायग्राम के बेसिस पे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओव्यूल. तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फिर उसको डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? चलिए अब इसके पहले हमने डिस्कस किया है जस्ट क्या, कार्पेल को पूरा टोटल हमने पढ़ लिया है. लोअर मोस्ट पार्ट कार्पेल का हमने ओवरी बोला था. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ओव्यूल का हम डायग्राम यहां पे देख रहे हैं. ओव्यूल का डायग्राम मैंने बनाया है, यहां पे देख लीजिए आप सब. डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ड्रॉ भी करना रहेगा एग्जाम में. और इससे काफी सारे क्वेश्चन नीट 16 में इससे क्वेश्चन आया था, कई बार नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, अब मैंने ओव्यूल का नाम लिखा है एनाट्रोपस ओव्यूल. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मींस
फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिस प्लांट्स में फ्रूट और सीड्स बनते हैं, उस प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स क्या बोलेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। ओके, ओव्यूल को और भी कुछ बोलते हैं, ओव्यूल का दूसरा नाम होता है, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बराबर, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम या इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मींस मेगास्पोरेंजियम ये अपना ओव्यूल होता है। क्लियर हो गया? क्यों इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, क्योंकि मेगास्पोर जो फीमेल गैमेट्स उसमें डेवलप होगा बराबर, वो इसके अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए, अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे पार्ट को, हर एक पार्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, देन सबसे इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। अनदर नेम ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल। अब एम्ब्रियो सैक के कितने पार्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ओके, सबसे ऊपर यहां पे थ्री सेल्स बनाया हमने, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। अब एंटीपोडल सेल्स के बाद ये पूरा देखो चैम्बर दिख रहा है आप सबको, ये होते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के सबसे बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहां पे देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा है, ये स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है एम्ब्रियो सैक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे सबसे नीचे वाला पोर्शन देखेंगे आप सब, थ्री स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे। इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ में हम बोलते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस बोला जाता है। एग अपरेटस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एक सेंटर में देखिए आप, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिखा है यहां पे, एग सेल बोलते हैं, एग सेल, ये एग सेल होता है। क्लियर? एग सेल के दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं उसको? सिनर्जिड बोलते हैं। एग सेल और दो साइड में सिनर्जिड हो गया। क्लियर? अब एग सेल और दोनों सिनर्जिड को एक साथ मैंने पहले ही बता दिया, क्या बोलते हैं हम लोग? एग अपरेटस बोलते हैं। मींस एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल इन विच सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड एग अपरेटस। एग अपरेटस कंटेन वन एग सेल, टू सिनर्जिड, दीज आर कॉमनली नोन एज, इन सबको एक साथ में एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट, मींस फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट कहां पे? इनर मोस्ट रीजन ऑफ द ओव्यूल, सबसे अंदर होता है ओव्यूल के। क्लियर? सबको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, अब एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में देखेंगे। एक ओवल स्ट्रक्चर बनाया था हमने एम्ब्रियो सैक का, देखो आप सब, उसके बाहर देखिए आप, एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। यहां पे देखिए आप सब, न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द, क्या बोल सकते हैं इसको, लेयर विच प्रेजेंट सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। ये आपने न्यूसेलस के लिए लिख दिया, लेकिन इसका फंक्शन सुनेंगे हम। न्यूसेलस में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? तो न्यूसेलस में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन द न्यूसेलस। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं मतलब वो फूड का स्टोरेज करती हैं। अब ये न्यूसेलस फूड का स्टोरेज करता है तो ये एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको? टू एम्ब्रियो सैक। समझ में आ रहा है? ये न्यूट्रिटिव सेल होता है न्यूसेलस। क्लियर? अब न्यूसेलस के जस्ट आउटर साइड में, यहां पे देखिए न्यूसेलस के बाहर एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट ये प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके और बाहर एक और लेयर बनाया है, आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर हो गया? अब सुनिए,
ये हमने पूरा एम्ब्रियो सैक बता दिया आपको. इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस प्रेजेंट सराउंडिंग द न्यूसेलस कौन होता है आउट इनर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट के आउटर साइड में आउटर इंटेगमेंट बाहर का प्रोटेक्टिव कवरिंग. ओके कंफर्म. एक और पार्ट इसमें जहां पर ये दोनों आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट देखिए जहां पर एंडिंग रीजन है जहां पर खत्म हो रहे हैं यहां पे छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है एम्प्टी प्लेस है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल स्मॉल पोर या नैरो ओपनिंग प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द इंटेगमेंट. इंटेगमेंट के एंडिंग पॉइंट पे एक छोटा सा गैप प्रेजेंट है माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं. आई थिंक क्लियर हुआ होगा इतना. ओके डन. अब जरा एक और पॉइंट बचा है इसमें देख लेते हैं हम लोग. यहां पर मैंने लिखा है चलाजा चलेजा चलेजा इज द बेसल बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. बेसल पार्ट सबसे ऊपर जो यहां पे देख रहा है ये वाला पोर्शन चलेजा वाला रीजन है. मींस माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट में चलाजा है. ठीक या चलाजा के ठीक अपोजिट में माइक्रोपाइल ऐसा हम बोल सकते हैं. यहां पे चलेजा यहां पे माइक्रोपाइल. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट. अब दो यहां पे पॉइंट है. देखिए एक हाइलम वर्कर के वर्ड लिखा है मैंने और फ्यूनिकल. हाइलम वो पॉइंट है जहां पर फ्यूनिकल इस ओव्यूल को कनेक्ट करता है. हाइलम मतलब ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एट विच फ्यूनिकल अटैच टू द ओव्यूल. ओव्यूल को जहां पे अटैच करता है फ्यूनिकल उसको हाइलम बोलते हैं. अभी फ्यूनिकल क्या होता है. फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल का स्टॉक होता है ये फ्यूनिकल बोलते हैं. ओके क्लियर. लास्ट में एक यहां पे वर्ड है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट कराता है. ओके तो ये प्लेसेंटा क्या करेगा ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट कराने का काम करता है. क्यों क्योंकि हमको मालूम है ओव्यूल इनर साइड में होता है ओवरी बाहर साइड में होती है. ओवरी से ओव्यूल का कनेक्शन होता है कौन करता है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट कराती है. फ्यूनिकल ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कराता है. क्लियर इतना समझ में आया सबको. क्लियर है सबको. ओके आप लोग इतना प्रिपेयर कर लेंगे. चलिए ये बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है ये प्रिपेयर हो सकता है. ओके नेक्स्ट. अब एनाट्रोपस ओव्यूल डिफरेंट काइंड्स के ओव्यूल होते हैं अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बराबर. तो आपका जो मोस्ट कॉमन टाइप है एनाट्रोपस ओव्यूल डिस्कस किया हमने. अब एनाट्रोपस ओव्यूल के सारे पार्ट डिस्कस कर डाला और भी इजी वे में कैसे इसको हम डिस्कस कर सकते हैं समझ सकते हैं. मैं उसको एक फ्लो चार्ट में यहां पर बनाने जा रहा हूं आप एक बार केयर करेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे देखेंगे. ओके देन एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल के पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सा पार्ट है वो देख लेंगे हम लोग. यहां पे एनाट्रोपस ओव्यूल अब इसमें इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड अनदर वन इज द फर्स्ट हमने बोला बॉडी अनदर स्टॉक. बॉडी ऑफ ओव्यूल सेकेंड वन स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. एक तो बॉडी दूसरा स्टॉक. ओके बॉडी ऑफ ओव्यूल में हमको कई सारे पार्ट यहां पे बताए हैं. अब मैं कुछ पॉइंट के नाम जो हम बाहर साइड से या अंदर साइड से लिख सकते हैं कुछ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें. ओके देन नेक्स्ट यहां पे कुछ नाम है आप सब सुनेंगे. एम्ब्रियो सैक या फिर मैं सबसे बाहर से स्टार्ट करता हूं आउटर इंटेगमेंट. आउटर इंटेगमेंट ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है सबसे बाहर की ओव्यूल का. इनर इंटेगमेंट आउटर के ठीक नीचे ये होता है कवरिंग प्रेजेंट होता है इनर इंटेगमेंट.
इनर इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस प्रेजेंट है, न्यूसेलस। अब जरा ऊपर वाला पार्ट, बेसल पार्ट चले जा, सबसे नीचे जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड लास्ट सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज द बॉडी का जो पार्ट है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। ये एम्ब्रियोसैक हमने यहां पे आपको नोट कर लिया। कितने पार्ट हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5th and 6th पार्ट। ये जो हमने क्या डिस्कस यहां पे जो डिस्कस किया उसी के सारे नाम हमने यहां पे नोट कर लिए। ओके, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है। अब एम्ब्रियोसैक के सारे पार्ट आप यहां पे लिख सकते हैं। ओके, एम्ब्रियोसैक के सब पार्ट हमें यहां पे जो यहां पे लिखा हुआ है सब पार्ट यहां पे एम्ब्रियोसैक का आ जाएगा। नेक्स्ट वन, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, आप सबको मालूम है फ्यूनिकल। क्या नाम होता है इसका, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मीन्स स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। और एक दूसरा पॉइंट है हाइलम। हाइलम मीन्स इट इज द एट विच पॉइंट स्टॉक ऑफ द ओव्यूल अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। जहां पे स्टॉक ऑफ ओव्यूल बॉडी ऑफ ओव्यूल से अटैच होता है इसको बोलते हैं हम हाइलम है। ये देखिए हाइलम है। ओके, कंफर्म समझ में आ गया इतना। ओके, ये हाइलम को मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो नोट कर सकते हैं यहां पे हाइलम। एट विच पॉइंट स्टॉक और फ्यूनिकल अटैच टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम समझ में आ गया होगा आप सबको। ये हमारा पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल का पूरा फ्लो चार्ट रहा। ओके, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मतलब आपने सुना यहां पे, प्लेसेंटा मींस इट कनेक्ट। मैं यहां पे प्लेसेंटा को लिख देता हूं, इसका फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट ओव्यूल टू ओवरी। ये ओव्यूल को ओवरी से कनेक्शन कराने का काम करता है, ये कनेक्ट कराता है। इट इज द स्ट्रक्चर दे हेल्प बिटवीन, दे कनेक्ट बिटवीन ओव्यूल टू ओवरी, बराबर। ये इसके बीच में कनेक्शन होता है प्लेसेंटा। आई थिंक ये डायग्राम के साथ में एम्ब्रियोसैक आपने क्लियर कर लिया, और ये पूरा बॉडी और स्टॉक को डिस्कस कर लिया हमने, सारे पार्ट डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन आता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, आंसर आएगा चले जा। इट इज द नैरो ओपनिंग प्रेजेंट इन द ओव्यूल, माइक्रोपाइल। ओके, नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट इज द एम्ब्रियोसैक। ओके, अब इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यूज, बराबर ना, न्यूट्रिटिव लेयर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोसैक, प्रेजेंट इन द किसमें, ओव्यूल। इट इज द न्यूसेलस, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, न्यूसेलस है। किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बोल सकते हैं वहां पे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके, डन। तो अभी तक हमने देखा ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने यहां पे बोर्ड पे है, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2013 में आया था, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है इसको, न्यूसेलस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ओव्यूल, थर्ड ऑप्शन एम्ब्रियोसैक एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रूट। इसमें से हम मेगास्पोरेंजियम किसको बोलेंगे, अब बड़ा कंफ्यूजन होता है मेगास्पोरेंजियम क्या होता है और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, दो आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। और 13 और 16 में उन्हीं दोनों को दे दिया है, मैं इसको भी क्लियर करूंगा अभी। तो मैंने बताया था आप सबको न्यूसेलस इज द पैरेन्काइमेटस सेल्स, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है जो एम्ब्रियोसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूसेलस को हम बोलते हैं क्या, मेगास्पोरेंजियम। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूसेलस।
ओव्यूल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। अगर ये नहीं रहता न्यूक्लियस तो मेगास्पोरेंजियम हम इसको बोल सकते थे भाई, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। तो 13 में मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू न्यूक्लियस अपना आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन यहां पे है जो नीट सेकंड फेज में 2016 में आया था, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन उठाया है, क्लियर करिएगा जरा सब। अब फर्स्ट ऑप्शन इज द मेगास्पोरेंजियम, सेकंड मेगास्पोरोफिल, थर्ड मेगास्पोर मदर सेल, फोर्थ इज द मेगास्पोर। अब ओव्यूल हमने यहां पे पढ़ा हुआ है, ओव्यूल, ओव्यूल को मैंने जब पढ़ाया था एक वर्ड लिखा था इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्यों इंटेगुमेंटेड? क्योंकि न्यूक्लियस को हमने बोला था मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंट से कवर होता है, तो पूरा इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस को एक साथ बोलते हैं ओव्यूल, तो ओव्यूल का नाम हो गया इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। अब जरा देखेंगे यहां पे हम मेगास्पोरेंजियम, तो यहां पे टेक्निकली टर्म आ गया। मेगास्पोरोफिल नहीं, ये तो कार्पेल के लिए बोला गया था, तो कैंसिल हो गया हमारा। मेगास्पोर मदर सेल नहीं, क्योंकि इससे मेगास्पोर बनने का प्रोसेस होता है, मेगास्पोर अलग है। अब एक ही ऑप्शन इसमें आपका आ रहा है मेगास्पोरेंजियम, समझ लीजिएगा क्यों आ गया यहां पे, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस होता है हमको मालूम है, लेकिन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है, तो मतलब ओव्यूल रिलेटेड है मेगास्पोरेंजियम के साथ में, इसलिए ये टर्म क्लियर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, स्टेटमेंट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना कि यहां पर भी मेगास्पोरेंजियम बोल दिया यहां पर भी बोल दिया, नहीं, न्यूक्लियस तो मेगास्पोरेंजियम होता है लेकिन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं, क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्ब्रियो सैक अकर्स इन, एम्ब्रियो सैक कहां पे प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, एक्सिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है या एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है? हमने पढ़ा हुआ है एम्ब्रियो सैक इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल, तो थर्ड सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक का नाम क्या होता है दूसरा? मैंने वहां पर लिखा नहीं था बट बोला था लेक्चर में, इसको मेगास्पोर बोलेंगे हम, या मेगा गैमेटोफाइट बोलेंगे हम, या मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे, या मेगा गैमिट्स बोलेंगे, गैमिट बोलेंगे। एम्ब्रियो सैक को मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, उसी का नाम होता है एम्ब्रियो सैक, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है यहां पे रहेगा, समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पॉइंट आउट द ऑड वन, इसमें से केवल एक कोई ऐसा जो अलग दिख रहा होगा, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल एंड पॉलन ग्रेन। यू नो दैट न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक एंड माइक्रोपाइल दीज आर द पार्ट ऑफ किसका? ओव्यूल। ये सारे ओव्यूल के पार्ट होते हैं, ओव्यूल में सारे स्ट्रक्चर आपने पढ़े हुए हैं बराबर। पॉलन ग्रेन यहां पे ओव्यूल का पार्ट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन तो मेल पार्ट होता है, इसलिए ये ऑड वन आउट में आ गया, डी ऑप्शन इसमें आप करेक्ट करेंगे। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन द एनाट्रोपस ओव्यूल, हमने आपको बताया था, तो यहां पे अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट है, लेफ्ट है, ये डाउनवर्ड हम यहां करेंगे बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग अपरेटस में क्या क्या रहता है, एग अपरेटस में क्या क्या चीजें होती हैं, समझेंगे जरा। फर्स्ट ऑप्शन एग एंड टू सिनर्जिड, आई थिंक आपने समझा होगा तो वहां पे मैंने क्लियर किया था। एग एंड सेंट्रल सेल, नहीं बिल्कुल नहीं। एग एंड एंटीपोडल सेल, आएगा ही नहीं ये। एग एंड वन सिनर्जिड, नहीं, हमने आपने डायग्राम में पढ़ा हुआ है एग होता है एक और टू सिनर्जिड होते हैं, दोनों को एक साथ बोला जाता है क्या? एग अपरेटस बराबर। ये अपने पास में कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको समझना है, जो आपको क्लियर करना है, और ये दोनों क्वेश्चन आप कंफर्म करेंगे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इन सब में जो मैंने आपको बोला है। ओके क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्या टर्म आप बता देता हूं मैं आपको, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।